हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 के स्टार इंश्योरेंस सिस्टम के आगे की टॉपिक देखेंगे। आज हमको पढ़ना है जुपिटर, ठीक है? देखते हैं कि जुपिटर क्या होता है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे जो बड़ा प्लैनेट है उसको क्या बोलते हैं? जुपिटर। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इट हैज सो लार्ज अबाउट द 300 अर्थ कैन बी प्लेस इनसाइड द गैन प्लैनेट। मतलब कि इसके जैसा लार्ज कितना हो सकता है? 300 अर्थ के लार्ज के बराबर हो जाएगा, ठीक है? द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ। अपने अर्थ का 318 टाइम्स जुपिटर का जो मास है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। इट रोटेट वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। जुपिटर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। ये अपने एक्सिस के वेरी रोटेट अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है वेरी रैपिडली। जुपिटर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। इट आल्सो हैज द फेंट रिंग्स अराउंड इट। यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज अ appears bright in the sky. It has four moons, four satellite. ठीक है, अब ऐसे कर beyond Jupiter is Saturn which appears yellowish in color. color में कैसा होता है? yellowish होता है color. what makes it unique in the solar system? it which full rings. ये ब्यूटीफुल प्लैनेट्स है। दिस रिंग्स नॉट विजिबल टू विद द नेक्ड आई। मतलब हम इसको अपने आई के द्वारा इसको विजिबल नहीं कर सकते, और इसको विजिबल करना हो तो क्या कर रहे हैं? यू कैन ऑब्जर्व दिस विद अ स्मॉल टेलीस्कोप। मतलब अगर हमको इसको विजिबल करना है, सी करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है, तो हम क्या करते हैं? स्मॉल टेलीस्कोप के थ्रू क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं, ठीक है? Saturn also has large number of satellite. इसमें भी large number of satellite होते हैं। One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets. Its density is less than that of water. Water के density से क्या होता है? इसका कम होता है। Uranus क्या होता है? इट इज द वन ऑफ आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये पूरे सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट प्लैनेट है। इट इज द वन ऑफ द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ यूरेनस इज दैट इट हैज हाईली टिल्ट रोटेशनल एक्सिस। अपने रोटेशनल एक्सिस पे हाईली टिल होता है, मतलब अपने एक्सिस पे ये रोटेट करता है। तो अब हम लोग देखेंगे नेपच्यून क्या होता है। ये नेपच्यून देखना है सोलर सिस्टम का। नेपच्यून इज द एट एंड फर्देस्ट नोन प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, ठीक है? इट इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेपच्यून इज द 17 टाइम मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का 17 टाइम से मास होता है और आउटर मोस्ट ये भी प्लैनेट है। अब देखिए हम थोड़ा देखते हैं कौन कौन इनर प्लैनेट होता है और कौन कौन आउटर प्लैनेट होता है। तो हम डिस्कस करेंगे इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इनर प्लैनेट। करेंगे द फर्स्ट फोर प्लैनेट मरकरी, Venus, Earth and Mars are much nearer to the sun. तो जो सन के बहुत नियर होगा, पास होगा, उसे हम लोग इनर नाम देंगे, इनर प्लैनेट। और जो सन से बहुत दूर होगा उसे क्या बोलेंगे? आउटर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट वो है कारण कि द फर्स्ट फोर प्लैनेट मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये सन के नियर आता है, आर मच नियरर टू द सन Then the outer four planet, they are called inner planet. इसको क्या कहेंगे? Inner planet. जो सन के बहुत पास होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? Inner planet.
इनर प्लैनेट हैव वेरी फ्यू मून्स. अब पढ़ना है आपको आउटर प्लैनेट्स. आउटर प्लैनेट्स क्या होता है? कह रहा था प्लैनेट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स, नेमली जुपिटर, सैटर्न, वेनस एंड नेपच्यून. यूरेनस एंड नेपच्यून आर मच फार्दर देन इफ देन द इनर प्लैनेट. दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट. दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम. द आउटर प्लैनेट हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स. ठीक है, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये सब क्या है? ये मच फार देन द सन. ये सन से बहुत दूर है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ये इनर, ये जो हमारा जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये मच फार देन द इनर प्लैनेट. इनर प्लैनेट से बहुत दूर है, इसका हम लोग नाम कर देंगे आउटर प्लैनेट. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आउटर प्लैनेट. अब एस्ट्रॉइड्स, ये भी सोलर सिस्टम का पार्ट है, सेलेस्टियल. तो एस्ट्रॉइड क्या होता है? एस्ट्रॉइड कहता है देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स, मार्स मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर के बीच में जो गैप है, लार्ज गैप बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, द गैप इज ऑक्युपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. These are called asteroid. Asteroid can only be seen through the large telescope. इसको कहने का मतलब यह है कि asteroid उसे बोलते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो गैप रहता है, उस गैप में स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द सन करते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं asteroid. जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम में, और asteroid को हम लोग लार्ज टेलीस्कोप से देख सकते हैं. ठीक है, सी कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये सन है, सन के आसपास बहुत सारे प्लैनेट रहेंगे, लेकिन हमको ये देखना है कि ये मार्स प्लैनेट यहाँ है, ये मार्स है. ये मार्स प्लैनेट है, और ये हमारे पास जुपिटर है. तो मार्स और जुपिटर के बीच में गैप है, इस गैप में जो स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट है ये वाला, यही हमारा एस्ट्रॉइड है. ये लेयर है, ये क्या कहलाएगा? एस्ट्रॉइड. तो इसे हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड. ठीक है, ओके, थैंक यू.